अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं जी डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 50 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं जी। आपको बताएंगे जी अब 50 के बजट में कौन कौन से कंपोनेंट आ सकते हैं। लास्ट वीडियोस में भी हम आपको बताते रहे हैं और ग्राफिक कार्ड भी बताते रहे हैं। उस वक्त 50 के बजट में जो है 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगता था, अब 4 GB तक आ गया और पीसी बिल्ड जो है वो आपकी अच्छी बन जाएगी 50 के बजट में। तो चलते हैं जी कंपोनेंट की तरफ कंपोनेंट। और इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डेली प्राइस आइडिया चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। और हमारा एक गिव अवे भी हमने अनाउंस किया है लास्ट ग्राफिक कार्ड की वीडियो के अंदर, आपने वो भी चेक करना है, उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। उसका सारा पार्टिसिपेशन का तरीकाकार हमने जो है उस वीडियो में बताया हुआ है। तो चलते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में जो हम कंपोनेंट 50 के बजट में यूज कर रहे हैं उनके बारे में सबसे पहले बताता चलूं, हम इसमें जो है i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, साथ हम मदरबोर्ड यूज़ करेंगे इसके Q87 4 रैम स्लॉट में। और इस पर आप जो है वो 6 हार्ड ड्राइव एक टाइम पे लगा सकते हैं और इस पर आप 12 GB तक का ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करवा सकते हैं। और ये मदरबोर्ड जो है i7 4th जनरेशन तक जो है वो अपग्रेड हो सकता है, आप इसको ईजिली अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरह इसमें जो अब हम हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव की तरफ आते हैं, तो इसमें हम SSD की यूज़ करेंगे 128 GB की XTR की 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी के साथ। इस तरह इसमें हम 500 GB की HDD जो हार्ड ड्राइव है 7200 RPM वाली वो इसके साथ यूज़ करेंगे। इस तरह इसमें हम थर्मलटेक एनटेक इस ब्रांड की हमारे पास पावर सप्लाई मौजूद है 80+ में, वो हम पावर सप्लाई के साथ 500 वाट की पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। फिर इसी तरह इसमें जो हम ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम ग्राफिक कार्ड RX 560 4 GB सफायर का ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे। सफायर का ड्यूअल फैन में RX 560 4 GB ग्राफिक कार्ड हम इस बिल्ड में यूज़ करेंगे। साथ ही हम इस बिल्ड में जो है ये एक कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं, ब्रांडेड कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं, वो हम आपको इसके साथ जो है वो लगा के देंगे। अब इन कंपोनेंट की प्राइस की तरफ चलते हैं, तो इनकी प्राइस के बारे में अपडेट करता चलूँ मैं आपको। तो इसमें जो हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं i5 4th जनरेशन का 4590 प्रोसेसर यूज़ करेंगे, मेरे पास अवेलेबल है। इसकी जो हम प्राइस दे रहे हैं इस वक्त मार्केट प्राइस 9300 तक है, लेकिन हम इस बिल्ड के साथ 9000 में इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। 9000 रुपये का ये आपको प्रोसेसर इस बिल्ड के साथ मिलेगा। इसी तरह इसमें Q87 का मदरबोर्ड 4 RAM स्लॉट मदरबोर्ड, लोग 7500 से 9500 तक भी इसकी प्राइस देते हैं, लेकिन हम आपको जो है इस बिल्ड के साथ 6500 में ये मदरबोर्ड लगा के दे रहे हैं। इस तरह इसमें हम हार्ड ड्राइव जो लगा के दे रहे हैं, जो इसके में SSD लगा के दे रहे हैं XTR की 128 GB SSD हम इसके साथ लगा रहे हैं जी 3 साल की वारंटी के साथ। उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 3500 है, लेकिन हम 3000 में इस बिल के साथ आपको लगा के देंगे। इसी तरह फिर इसमें जो हम हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं HDD 500 GB की जो 7200 RPM वाली है, उसकी जो मार्केट प्राइस है 2500 जा रही है, लेकिन हम 2000 में इस बिल के साथ आपको जो है वो लगा के देंगे। फिर आती है जी नेक्स्ट, हम पावर सप्लाई की तरफ चलते हैं जी 80+ में जो पावर सप्लाई हम लगा के दे रहे हैं इस बिल्ड के साथ, जिसपे आप 8 GB तक का ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करवा सकते हैं, जिसमें 1 6-pin और 1 8-pin कनेक्टर आपको मिलेगा साथ में। और इस पर हार्ड ड्राइव लगाने के लिए 8 कनेक्टर मौजूद हैं, आप 8 हार्ड ड्राइव भी एक टाइम पर पावर दे सकते हैं उनको। इसकी जो मार्केट प्राइस है 3500 है, लेकिन हम 3000 में इस बिल्ड के साथ इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह लास्ट पे हम ग्राफिक कार्ड की तरफ आते हैं जी। आपको पता है कि ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग डाउन हुई है, जिसकी वजह से ये बिल्ड जो है 60K में हमने अपने चैनल पे लगाई हुई थी, लेकिन ये 50K में आ चुकी है, यानी कि 10,000 रुपये का फ़र्क आ चुका है। तो रमज़ान में यही बिल्ड जो है वो 60K की बन रही थी, अभी चेक कर लें आप, तकरीबन 1 से 1.5 मंथ हुआ है जी ईद गुजरी को और ये बिल्ड 10,000 रुपये सस्ती हो गई है, आपको ये बिल्ड 50K में मिल रही है। इसमें जो सफायर का ग्राफिक कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी मार्केट प्राइस 25,000 तक लोग दे रहे हैं, लेकिन हम 22,000 की इस बिल्ड के साथ जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह ये कैबिनेट ब्रांडेड कैबिनेट जो है पहले हम फ्री भी देते रहे हैं, लेकिन अभी कस्टम ड्यूटी और बैन होने की वजह से इनकी प्राइसेस भी ऐड करना पड़ रही है। इसकी 1000 हम जो है बिल्ड के साथ इसकी प्राइस ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह ओवरऑल इसका बजट जो है वो 50K बनता है। अगर आप पाकिस्तान में मार्केट में चेक करेंगे तो यही बिल्ड जो है आपको 55,000 तक मिलेगी। इसमें हम 8 GB की रैम यूज़ कर रहे हैं जी, उसका मैं बताना आपको बोलिए। 8 GB की हम रैम जो इसके साथ लगा रहे हैं जी, DDR3 की 4 GB की 2 GB हम यूज़ कर रहे हैं जी। उनकी मार्केट प्राइस जो है वो तकरीबन 4500 तक बनती है, लेकिन हम 4000 में इसके साथ यूज़ कर रहे हैं, 8 GB की हम इसके साथ रैम लगा रहे हैं। तो इस तरह ओवरऑल इसका जो बजट है वो 50K बनेगा। जो भी फ्रेंड हमसे बाय करना चाहता है
नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप वहाँ जाके हमसे बाय कर सकते हैं, या हमारे इस ऑफिस का नंबर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर आ रहा है, वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें। इसकी जो शिपिंग का तरीका कार है वो मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में फ्री कैश ऑन डिलीवरी है। अगर आपने ये बिल्ड बाय करनी है, इसके अलावा कोई चीज़ बाय करनी है, तो आपने जस्ट उसकी कॉस्ट पे करनी है और डिलीवरी जो है हम अपनी तरफ से फ्री करेंगे। अगर इसकी डिलीवरी की कॉस्ट ऐड करें तो ये तकरीबन जो है 1000 से 1500 जो हमें इसकी शिपिंग कॉस्ट पड़ती है, लेकिन हम आपको फ्री वो भी इसमें एडजस्ट करके देते हैं। ये जो है अगर आप अदर वेंडर से या जो दूसरे शॉपकीपर हैं उनसे बाय करेंगे तो यही बिल आपको मैं बता रहा हूँ कि शिपिंग के साथ 57,000 तक मिलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको चैलेंज के साथ पूरे पाकिस्तान में कम रेट देते हैं, तो इसलिए ये 50K में मिल जाएगी। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके नीचे कमेंट देना ना भूलिएगा, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें इस तरह का कॉन्टेंट देखने के लिए। तो मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।